हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RCI एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं ये हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिएक्शन की रेट क्या होती है। तो रिएक्शन की जो रेट होती है वो होती है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेट, और टाइप्स ऑफ रेट में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं आर एवरेज के बारे में। टाइप्स ऑफ रेट में हमारे पास में दो टाइप की रेट होती हैं। एक होती है आर एवरेज, एक होती है आर इंस्टेंट। तो स्टूडेंट, आर एवरेज के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं इसकी समरी। आर एवरेज जो थी हमारे पास वो थी आर एवरेज प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। स्टूडेंट, आपके पास में जो दिया हुआ है कि जब चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए यूनिट टाइम, अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन को टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में आर एवरेज आ जाती है। अब आर एवरेज जो यहाँ पर होगी, आपके पास में एक रिएक्शन दी है, आर से किस में कन्वर्ट हो रही है, पी में। यहाँ पर जो आर आपके पास में होगा ये होगा प्रोडक्ट, आर जो होगा सॉरी वो होगा आपके पास में रिएक्टेंट, और पी जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। इफ़ आपको रिएक्टेंट की रेट निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, आर एवरेज ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमें रिएक्टेंट की आर एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, डेल आर अपॉन डेल टी। इसका मतलब होता है कि आपके पास में डिफरेंस कितना है, और जब भी आप ये डिफरेंस निकालते हो स्टूडेंट तो ये निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब आपको अगर प्रोडक्ट के लिए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पर जो माइनस साइन हम यूज़ में ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, प्लस साइन यूज़ में ले रहे हैं जो क्यों ले रहे हैं। माइनस साइन जो होता है यहाँ पर इंडिकेट करेगा डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्लस साइन जो होगा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो लगाएंगे प्लस और क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अब टी टू माइनस टी वन, ये हो जाएगा आपके पास में आर एवरेज। अब बात करते हैं आर इंस्टेंट की। अब आपके पास में दिया हुआ है आर इंस्टेंट होता है वो होता क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं तो आर इंस्टेंट के लिए आर इंस्टेंट जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं द लिमिट ऑफ एवरेज रेट व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो। हमें करना क्या है, आर एवरेज जो है उसकी लिमिट लेनी है जहाँ पर डेल टी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसकी लिमिट ले रहे हैं स्टूडेंट डेल टी क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो, और बोलेंगे प्लस माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। देखो ये आर जो होगा आपके पास में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल सी अपॉन डेल टी। तो स्टूडेंट, जैसे हमने इसका आर एवरेज ये जो दिया हुआ है आपके पास में आर इंस्टेंट, हम क्या करेंगे इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट किसकी ले रहे हैं, आर एवरेज की। तो हम क्या बोलेंगे, द लिमिट ऑफ आर एवरेज व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो स्टूडेंट हुआ क्या, यहाँ पर जो आपके पास में टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, जीरो के आसपास है। तो आप मैथ में बोलते हो कि आर इंस्टेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ये जो डी है और ये टी है, बोलें तो अगर डी जो होगा आपके पास में ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और बोलें ये जो डी जो होता है मैथ के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास में प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास में आ गया वो क्या आ जाएगा, आर इंस्टेंट इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अगर हमें रिएक्टेंट का निकालना है, आर इंस्टेंट किसका निकालना है, रिएक्टेंट का, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस डी सी अपॉन डी टी। इफ़ हमें आर इंस्टेंट जो निकालना है वो प्रोडक्ट का निकालना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस डी पी अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने कल बात की थी, हमने यहाँ पर कर्व बनाया था, और जो कर्व आपके पास में बना था, कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के बीच में हमने बनाया था। देखते हैं यहाँ पर जो हमारे ये जो हम कर्व बना रहे हैं, ये कर्व देखना स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपके पास में जो कर्व है ये हम बना रहे हैं रिएक्टेंट का। एक रिएक्शन आपको दी गई है और ये रिएक्शन आर से किस में कन्वर्ट हो रही है, पी में। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, आज भी हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी पासिंग द टाइम डिक्रीज होगी और ये क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज होगी। तो इधर देखना, अगर हम इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पास में टाइम। ये जो कर्व आपकी बन रहा है ये कर्व आप बनाएंगे कंसंट्रेशन एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और किसके बीच बनेगा, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट का हम कर्व बनाते हैं, तो कैसे इस टाइप का कर्व बनेगा। अब मान लो ये जो कर्व आपको दिया हुआ है, अगर इस कर्व के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक टेंजेंट जो होगा अगर वो ड्रॉ कर देते हैं, तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो किसको शो करेगी, इंस्टेंट रेट को, तो किसको शो करेगी, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट, और इस लाइन की जो हम स्लोप निकालेंगे वो ये आएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपके पास में जो स्लोप होगी ये हो जाएगी प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अगर हम रिएक्टेंट की निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ये स्लोप जो हो जाएगी ये हो जाएगी टेन थीटा माइनस डी आर अपॉन डी टी। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की, स्टूडेंट वापस दे देखना, ये हम इसकी स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का जो ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, और इस प्रोडक्ट के ग्राफ पर अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो इसकी जो स्लोप होगी हमारे पास में वो ये हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आर इंस्टेंट आएगा वो हो जाएगा प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। वापस से देखते हैं स्टूडेंट, हमने कल बात की थी टाइप्स ऑफ रेट, हमारे पास में रिएक्शन की जो रेट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है आर एवरेज, एक होती है आर इंस्टेंट। आर इंस्टेंट से सवाल नहीं पूछे जाते स्टूडेंट, मोस्टली जो सवाल आपके पास में आएंगे न्यूमेरिकल आएगा वो आर एवरेज से आता है। आर एवरेज जो होगा, उस आर एवरेज का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में, आर एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो सीधा सा है प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। और आर इंस्टेंट को कुछ भी नहीं करना, आर इंस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा हम बोलेंगे द लिमिट ऑफ एवरेज रेट, द लिमिट ऑफ एवरेज रेट व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। ये तो बात होगी रेट की, बात होगी हमारे पास में कि सर जी रेट दो टाइप की होती हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, स्टूडेंट अगर मान लो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, मान लो एक रिएक्शन है जो R से P में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और इस रिएक्शन में जो R दिया हुआ है एट
टी बराबर 0 सेकंड पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 10 mol/L। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। अब यहाँ पर हमने बोला कि टी बराबर है 5 सेकंड पर इस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो किससे 10 mol/L से रिड्यूस होकर कितना हो गई आपके पास में, ये हो गई 5 mol/L। देखो ये 10 से कितना रिड्यूस होगी 5, तो यहाँ पर फॉर्मेशन प्रोडक्ट कितना फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा कितना हो जाएगा 5 mol/L हो जाएगा। अब यहाँ से बोला जा रहा है आपको कि आर एवरेज कैलकुलेट करनी है किसकी, रिएक्टेंट की। फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट, बताओ प्लस माइनस लगाओगे क्या लगाओगे। आर एवरेज जो होता है हमारे पास में वो होता है माइनस प्लस डेल सी अपॉन डेल टी। हमें रिएक्टेंट की आर एवरेज निकालनी है। अगर रिएक्टेंट की आर एवरेज हमें निकालनी है तो इस फॉर्मूले से पहले साइन कौन सा लेना होगा, माइनस का। तो सबसे पहले क्या लेंगे, माइनस। फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है और डेल सी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो फाइनल हो जाएगी आर टू और इनिशियल कौन सी हो जाएगी आर वन और टाइम जो इंटरवल होगा वो हो जाएगा टी टू माइनस में टी वन। तो स्टूडेंट टी बराबर जीरो पर जो कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और टी जीरो सेकंड के बाद में जो भी टाइम आपके पास में होता है उस पर जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम बोलते हैं आर टू, इसको बोलेंगे फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम देखो हमें जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर वन जो होगी हमारे पास में वो कितनी दी हुई है 10, आर टू कितना दिया हुआ है 5 और टी टू माइनस टी वन कितना है, टाइम इंटरवल कितना होगा हमारे पास में 5 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर रखते हैं माइनस 5 10 कितना रखोगे 5 माइनस जीरो, तो स्टूडेंट क्या आएगा ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको इससे कैंसिल करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1 mol/L/s। mol/L/s ये आपके पास में रेट की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो इसी सवाल को हमें चेंज करना हो, ये तो सेकंड में टाइम दिया हुआ है, अगर हमारे पास टाइम अब बोले कि मिनट में दिया हुआ है, अगर इसी को मिनट में चेंज करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा स्टूडेंट। एक मिनट बराबर में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो इसको चेंज कर देंगे, 1 सेकंड बराबर कितने हो जाएंगे 1/60 मिनट। तो ये आंसर अगर हमें मिनट में कैलकुलेट करना होगा तो इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे 1/60, जो आंसर आएंगे वो किस में आ जाएंगे mol/L/s। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा रेट के टाइप के बारे में और न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। थैंक यू क्लास।